we found the man that brought the birds back to Delhi. Hi, Emirates Love India. I am Rakesh Khatri, Nest Man of India. Rakesh saw a big problem when he moved to Delhi. The birds were nowhere to be heard. घोंसला जो है नेस्ट वो मेरी जिंदगी में जब मैं 7 साल का था तब से जुड़ गया था. बस वही एक शायद लाइफ का पोर्शन था जब मैं पहली बार मेरा घोंसले से इतना ज़्यादा सापका पड़ा. देन आई लॉस्ट माय फादर एट द एज ऑफ 14. तो हम लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए अशोक विहार नॉर्थ दिल्ली के अंदर. वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ कॉलोनीज बस रही थी, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा था और जो पेड़ थे वो कटते चले जा रहे थे. घोंसले नहीं देखते थे हम, तो बड़ा दुख लगता था कि अच्छा घोंसले हैं नहीं यहाँ. सो He decided to do something about it. तो ये दो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आए जिन्होंने मेरी लाइफ को 2008 के अंदर बिल्कुल बदल दिया. पहला ये कि वहाँ एक माली थे जो बैठे रहते थे, वो मुझे रोज़ देखते थे. तो मैं जब एक दिन जा रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ. मैंने कहा जी बताइए. बोले ये क्या करते हो? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ. वो बात करते रहे, कहने लगे ये तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो कि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हमने छीन लिया. तुम इस काम को करते रहना, ये काम तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा. तो मुझे पहली बार लगा या तो कोई नेचर का भेजा हुआ ये रिप्रेजेंटेटिव है या गॉड का कोई नुमाइंदा है जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया. उसी दौरान में हमने मयूर विहार में ही यहाँ एक ग्रेन की मार्केट है, तो हम लोग बैम्बू स्टिक से घोंसले बनाने लगे थे. तो हमने वो बैम्बू स्टिक वाले घोंसले 20 बनाए. तो मैंने वहाँ एक घोंसला लगाया और 19 उसके घर में रख दिए जिसके घर में लगाया था. तो जब लगा दिया तो लोग हंसने लगे, वही निकलते बढ़ते. मैं कैमरा लेके बैठा रहता था, सुबह चला जाता था 11 बजे. एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया और 5 मिनट के बाद वो फीमेल के साथ आया. उनके मुंह में थोड़े थोड़े ट्विक्स थे, छोटे छोटे घास के टुकड़े, वो उन्होंने उसमें रखे. तो मुझे लगा ये अडॉप्ट हो गया. तो लोगों ने भी करी और 2 मिनट के अंदर वो 19 के 19 घोंसले लोग उठा के ले गए कि हम भी अपने घर लगाएंगे. वो 2008 की बात है, करीबन 10 फरवरी की. और आज अभी तक टिल डेट तक मैं 4,75,000 से ज्यादा नेस्ट बना चुका. He has also conducted thousands of workshops on birds nest making and he's made over 400,000 birds nests over a decade. वो अपने बच्चों को लेके हमारी वर्कशॉप में आते हैं और उनको लगता है कि हम इनको सिखाएं. वो यंग पेरेंट्स ही नहीं आते, अब मेरे वर्कशॉप्स के अंदर 3 जनरेशन बैठती हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे. और सोचिए कितना अच्छा एक सुखद अनुभूति होती है कि 3 जनरेशन बैठ के एक नेस्ट बनाएं. कि 92 इयर्स की एक गायनेकोलॉजिस्ट जो बैंगलोर से आई थी अपने बेटे के घर, जब उनको पता चला नेस्ट की वर्कशॉप, उन्होंने बैठ के अपने हल्के हल्के कांपते हुए हाथों से वो घोंसला बनाया. उन्होंने कहा कि मेरे को देश की आज़ादी के टाइम पे जो खुशी हुई थी वो खुशी आज पहली बार ये एहसास हुई कि मैंने एक नेस्ट बनाया और एक चिड़िया को घर दिया. हमारे जितने भी फोर फादर्स थे उन्होंने हमें इतनी अच्छी फॉग दी थी जो इतनी खूबसूरत होती थी और हमने उनको क्या दिया, स्मॉग. पर एक ऐसी फौज बच्चों की खड़ी करूं जो अपने से आगे की जनरेशन को सिखाना शुरू करें. तो मुझे लगता है मेरा गोल वही है कि बच्चे जागें, क्योंकि उनको अगर आपने जगा दिया तो आपने सबको कैप्चर कर लेना है. It is people like Rakesh that inspire the next generation and all of those to come.